इंस्पेक्टर जी, अपने उद्बोधन में उन्होंने एक बात कही, गीता पर बोलने का हर किसी का अधिकार नहीं है, आदमी को बहुत ही प्रखंड होना पड़ता है। इस कैवियट को मैं समझ गया, आई डोंट हैव दोज क्रेडेंशियल्स। ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर मनोहर लाल जी ने जब जब मुझे बुलाया है यहां, वो मेरे लिए बहुत ही एक अद्भुत अनुभव का विषय बना है। हर बार मैं यहां से एनर्जाइज्ड, इंस्पायर्ड और मोटिवेटेड होकर जाता हूं। मुझे देश के करीब करीब हर प्रांत में जाने का मौका मिला है। यहां की बात ही कुछ अजीब है, ये मैंने महसूस की है। मुझे ये कहने में बिल्कुल संकोच नहीं है कि यदि अगर आज हरियाणा के मुख्यमंत्री की कोई पहचान है, आज यदि अगर मुख्यमंत्री लोगों के लिए मनोहर है, उसका एक कारण है, ये गीता के अनुयायी है। पूरे देश में इनका नाम एक बात के लिए जाना जाता है, पारदर्शिता, सुचिता, उत्तरदायित्वता। ये गीता को इन्होंने जमीनी हकीकत बनाया जब गांव के बच्चे को बिना प्रयास के नौकरी का पत्र मिला। ही इज अ फुट सोल्जर ऑफ गीता फिलोसफी, और ये कोई आसान काम नहीं है। जब भी कोई आदमी पद पर आसीन होता है, उससे जो एक्सपेक्टेशंस होती हैं वो वाजिब नहीं होती हैं। आप तो कर ही सकते हो, आपको क्या जोर आता है, कर दीजिए ने, पहले होता रहा था, आज भी कई जगह हो रहा है, आप क्यों संकोच करते हो? क्या इसलिए मुख्यमंत्री बनाया है, हमारा थोड़ा सा काम नहीं करोगे? उस समय बड़ा मजबूत रहना पड़ता है। दिस मैन द चीफ मिनिस्टर ऑफ हरियाणा हैज विदस्टूड ऑल चैलेंजेस स्पाइनली टू लिव अप टू द हाईएस्ट एक्सपेक्टेशन ऑफ गीता। ज्ञानानंद जी महाराज ने, पहले तो उनका नाम ही ज्ञान आनंद, संक्षिप्त व्यक्तित्व में, बहुत संक्षिप्त व्यक्तित्व था इनका, पर पूरा सार हमारे सामने रख दिया। गीता की फिलोसफी की आवश्यकता भी रखती है और चैलेंजेस भी रख दिए। मन करता है और माननीय मुख्यमंत्री जी इसको साकार करेंगे कि मेरी ज्ञानानंद जी महाराज जी से लंबी चर्चा हो, तो मेरा तो फायदा होगा ही, पर पद की वजह से वो फायदा व्यापक स्तर पर भी होगा। ऐसा मुख्यमंत्री जी करेंगे, ऐसा मेरा अनुरोध है। आज के कार्यक्रम की एक खास बात है, प्रधानमंत्री जी जब आए 2014 में, तो उन्होंने देश को देखा कि हमारे देश का जो ईस्टर्न पार्ट है वो उतना विकसित नहीं है जितना दूसरे हिस्से हैं। तो उन्होंने कहा, लुक ईस्ट एक्ट ईस्ट। लुक ईस्ट की पॉलिसी की शुरुआत 90 के दशक में हुई थी। आई वॉज इलेक्टेड टू लोकसभा इन 1989 एंड वॉज प्रिविलेज टू बी अ यूनियन मिनिस्टर देन, पर एक्ट ईस्ट की ये हुई। आपने इसमें एक नया आयाम जोड़ दिया है। आज के दिन जो आपका स्टेट पार्टनर है,
आसाम, वो नॉर्थ ईस्ट के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। पार्टिसिपेशन ऑफ आसाम इज अ वेरी क्वालिटेटिव सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट एंड इट विल कैटलाइज सिचुएशन अबाउट गीता इन दैट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड वेयर इट इज मोस्ट नीडेड। द प्रेजेंस ऑफ ऑनरेबल कल्चर मिनिस्टर गवर्नमेंट ऑफ आसाम श्री विमल बोरा जी इज देयर फॉर वेरी सिग्निफिकेंट। ऑनरेबल मेंबर पार्लियामेंट लोकसभा कुरुक्षेत्र श्री नायब सैनी जी एंड ऑफकोर्स आई कांट मिस द प्रेजेंस ऑफ अ राज्यसभा मेंबर, आई हैपन टू बी चेयरमैन राज्यसभा, श्री सुधांशु त्रिवेदी, इनॉर्मसली टैलेंटेड, हैज मेड यू नोन व्हाट एन इंटेलेक्चुअल चैलेंज आई फेस इन राज्यसभा। ही इज वेरी थोरो। वी हैव इन द ऑडियंस ऑल्सो वेरी डिस्टिंग्विश्ड मेंबर्स, आई एम नॉट नेमिंग देम, आई मे मिस आउट समवन। वाइस चांसलर कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी श्री एस एन सचदेवा जी, द प्रेजेंस ऑफ श्री पवन कुमार बोरठाकुर जी, अ वेरी सीनियर ऑफिसर 1989 बैच, चीफ सेक्रेटरी ऑफ आसाम, इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इफ आई स्टेट इज रिप्रेजेंटेड बाय द चीफ मिनिस्टर ऑन द ब्यूरोक्रेटिक साइड एंड द मिनिस्टर कंसर्न ऑन द एग्जीक्यूटिव साइड, इट मीन्स द टोटल इन्वॉल्वमेंट विद द प्रोग्राम। मेरे मन में कोई शंका नहीं है, गीता की फिलोसफी आपके कार्यक्रम का मूल तत्व है, नॉर्थ ईस्ट में पूरी तरह से खिलेगा एंड दिस विल फ्रक्टिफाई, आई हैव नो डाउट अबाउट इट। आई मस्ट रिकॉग्नाइज प्रेजेंस ऑफ डॉक्टर एल आर विश्नोई, ही इज इन नॉर्थ ईस्ट बट सन ऑफ द सोइल, डीजीपी मेघालय। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद दुनिया ने इतनी पीड़ा कभी नहीं देखी है जो आज देख रही है। वी आर वर्चुअली सिटिंग ऑन अ वोल्केनो। दुनिया के दो कॉन्फ्लग्रेशंस, वन इजराइल हमास, अनदर यूक्रेन रशिया, आर टू वेल नोन। गीता की फिलोसफी की रेलेवेंस इज एज रेलेवेंट टुडे एज नेवर बिफोर। और भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने, जैसा कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा, दो हिस्टोरिक स्टेटमेंट्स दिए हैं। पहला स्टेटमेंट था उनका करीब 1.5 साल पहले, वी आर नॉट लिविंग इन एन एरा ऑफ एक्सपेंशन। कोई देश अपनी सीमा एक्सपेंड करना चाहे तो दैट एरा इज गॉन। बट इन सेइंग सो, इंडियाज प्राइम मिनिस्टर टुक प्राइड, दिस कंट्री नेवर इन इट्स हिस्ट्री हैज थॉट ऑफ एक्सपेंशन। वी हैव सफर्ड इन्वेजन्स, वी हैव सफर्ड इनकर्शंस ऑफ ऑल काइंड्स, पर भारत में रहने वाला न तो किसी राजा ने, न भारत ने कभी भी एक्सपेंशन को अपनी पॉलिसी किया है। वी हैव नेवर बिलीव्ड इन इट। एंड सेकेंड, जब दुनिया के सामने दो बड़े मुद्दे थे तो प्रधानमंत्री जी ने, टेकिंग गाइडेंस फ्रॉम गीता, उन्होंने कहा हर संभव प्रयास होना चाहिए टू अवॉइड वॉर थ्रू डायलॉग एंड डिप्लोमेसी। गीता में यह प्रकाष्ठा पर गया था, यह भूमि साक्षी है इसकी। नो एफर्ट वॉज स्पेयर्ड बाई लॉर्ड श्री कृष्णा टू एंश्योर दैट देर बी नो वॉर। बट वंस दिस बिकम्स इनइविटेबल, तो भी भगवान श्री कृष्ण ने ज्ञान दिया और ज्ञान अर्जुन को दिया जो हमको आज सोचने की आवश्यकता है। और भारतवर्ष की प्रेजेंट जो गवर्नेंस है
इसको मैं गीता गवर्नेंस कह सकता हूं। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, अर्जुन आपके सामने कौन है? रिश्तेदार होंगे, जानकार होंगे, गुरुजन होंगे, प्रियजन होंगे, मित्रजन होंगे। पथ भ्रष्ट मत हो, कर्तव्य को मत छोड़ो, कर्तव्य को करते रहो। भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी आज यही कर रहे हैं, और इसी का नतीजा है कि जो प्रजातंत्र का मूल मंत्र है कि कानून के सामने सब बराबर हैं, पर कहां थे पहले? कुछ लोग अपने को कानून से बहुत ऊपर मानते थे, उनका सोच था, अधिकार था सोचने का, ऐसा वो सोचते थे कि कानून हमारा क्या कर सकता है, कानून तो हमारे हिसाब से चलेगा, हम कानून के दायरे में कैसे आ सकते हैं। इतना बड़ा बदलाव आया कि आज के दिन कानून के शिकंजे से कोई बाहर नहीं है। ये ग्राउंड रियलिटी है। आई कैन अश्योर यू टू अचीव दिस इज नॉट ईजी। इट वॉज अ फॉर्मिडेबल चैलेंज, चैलेंज फ्रॉम दोज हु वर एस्टेब्लिश्ड, दोज हु हैड अ ग्रेट सपोर्ट सिस्टम इन दिस सिस्टम एंड आउटसाइड। बट आज के दिन हम सर ऊंचा करके कह सकते हैं कि गीता गवर्नेंस है, सब कानून के सामने बराबर है। कानून का नोटिस मिले, कानूनी प्रक्रिया अपनाओ। ये जो संस्कृति बनी है कि कानून का नोटिस मिले हम सड़क पर आ जाएंगे, ये भारत की संस्कृति नहीं है, ये गीता का सार नहीं है, ये हमारे संविधान का सोच नहीं है। इसलिए मैं कहता हूं कि ये कार्यक्रम हो रहा है 2016 से, ये कार्यक्रम व्यापक हो रहा है। इट नीड्स टू बी मोर एक्सपेंडेड, क्योंकि यदि अगर आज भारत उस गति से विकास कर रहा है, आप समुद्र को ले लीजिए, कभी सोचा नहीं था विक्रांत हम खुद बनाएंगे, फ्रिगेट्स हम खुद बनाएंगे, सबमरीन हम खुद बनाएंगे। मैं डिफेंस की बात कर रहा हूं, जमीन पर आ जाइए, हमारे यहां जहाज का निर्माण होगा तेजस, हमारे यहां हेलीकॉप्टर होगा, हमारे डिफेंस कॉरिडोर्स होंगे। थोड़ा आसमान पर आइए, हम देख रहे हैं क्या कुछ हो रहा है। वी गो टू स्पेस, वी हैव रीच्ड मून, आवर चंद्रयान 3 हैज लैंडेड ऑन द साउथ पोल ऑफ मून, आवर फीट अकम्प्लीट बाई नो अदर नेशन। हमने चांद पर तिरंगा और शिव शक्ति पॉइंट कर दिया। इतना जब विकास होता है और आर्थिक प्रगति एक ऐसी इंक्रीमेंटल ट्रेजेक्टरी पर है कि हम लगातार उन देशों को पीछे छोड़ रहे हैं जिनकी तरफ हम देखते थे कि उनके यहां क्या है। कनाडा को हमने पीछे छोड़ दिया, यूके को हमने पीछे छोड़ दिया, फ्रांस को हमने पीछे छोड़ दिया, आज हम पांचवीं महाशक्ति बन गए। अब बारी है जापान और जर्मनी की। बाय ऑल स्टैंडर्ड्स बाय 2030 विल बी थर्ड लार्जेस्ट ग्लोबल इकोनॉमी। ये ऐसे ही नहीं होएगा, देयर विल हैव टू बी सिस्टेमिक गवर्नेंस एंड द बेडरॉक, द स्पाइन ऑफ दैट सिस्टेमिक गवर्नेंस हैज टू बी अ फिलोसफी ईस्ट इन आवर हिस्ट्री। हमारी सांस्कृतिक विरासत के अंदर वो मूल मंत्र है। अच्छी बात यह है कि उस मूल मंत्र को आज हम फॉलो कर रहे हैं। भारत के संविधान का जब निर्माण हो रहा था, और मैं ज्यादा इसलिए जानकार हूं इस बात का, 3 साल तक मैं पश्चिम बंगाल का राज्यपाल रहा हूं, जो उसके अंदर मिनियाचर्स हैं संविधान के अंदर, उनके अंदर गीता की बात है, उनमें भगवान श्री कृष्ण है। मैं तो कई बार सोचता हूं कि आजादी के बाद भारत के संविधान में
नए चैप्टर्स ऐड हुए हैं, पार्ट 9 पंचायती राज को लेकर, पार्ट 9 कैपिटल ए म्यूनिसिपलिटीज को लेकर ऐड हुए हैं, उन पर कोई मिनियाचर नहीं है, क्योंकि मिनियाचर के नाम पर आज एकमत होना मुश्किल है। वी आर सो डिविजिव। गीता टीचेज अस यूनिटी बिकॉज गीता इज फर्म्ड अप ऑन सब्लिमिटी। इसलिए गीता का पाठ आज के दिन हमारे लिए बहुत जरूरी है एंड वी मस्ट फॉलो इट। मुझे ये अति प्रसन्नता है कि 1989 में जिला स्तरीय उत्सव के रूप में इसकी शुरुआत हुई थी। माननीय संयोग का विषय है, वकालत करते करते मैं भटक गया और 1989 में लोकसभा का सदस्य निर्वाचित हो गया। मैं तो खैर इतना बड़ा नहीं बन पाऊंगा कभी भी जितना बड़ा ये कार्यक्रम बना हुआ है, बट दिस इज अ प्लेजेंट कोइंसिडेंस। पर जो मुझे जानकारी मिली मुझे बड़ा अच्छा लगा कि टेक्नोलॉजी इज बीइंग एम्प्लॉयड टू एंश्योर दैट योर डेलिब्रेशंस रीच एवरी नुक एंड कॉर्नर ऑफ द वर्ल्ड। और आजकल टेक्नोलॉजी का इतना आलम है कि इट हैज एंटर्ड आवर ऑफिस आवर बेडरूम्स। डिसरप्टिव टेक्नोलॉजी जिनको हम कहते हैं, मशीन लर्निंग, क्वांटम कंप्यूटिंग, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, आपको जानकर अच्छा लगेगा कि पहले हम इंतजार करते थे कि टेक्नोलॉजी का विकास कहीं होगा, फिर वो लोग बना लेंगे, फिर हम उनसे खरीद लेंगे, अपनी कीमत पर हमें बेचेंगे, अपने समय पर बेचेंगे और उतना ही कंट्रोल करेंगे जितना वो कर सकते हैं। आज भारत दुनिया के गिने चुने देशों में है जो इन टेक्नोलॉजीज के लिए बहुत तीव्रता से काम कर रहा है। क्वांटम कंप्यूटिंग के लिए 6,000 करोड़ का बजट अलोकेट किया है, दूसरा ग्रीन हाइड्रोजन के लिए 19,000 करोड़ का बजट अलोकेट किया है। आप और हमारे लिए तो 5G और 6G इस फोन तक सीमित है, पर जो यंग बॉयज एंड गर्ल्स हैं, दे नो इट्स इनॉर्मस पावर। भारत गिने चुने देशों में है जिसने 6G के डेवलपमेंट को दो हिस्सों में बांटा। 2025 से 2030 जो सेकंड खंड है, सेकंड खंड, दूसरा खंड, वो इसका कमर्शियलाइजेशन है। क्रांति आ जाएगी। मशीन लर्निंग शब्दों पर मत जाइए, आजकल एक छोटी सी खबर चिंगारी की तरह फैल जाती है, एक मिनट में लाखों रिएक्शंस आ जाते हैं। मशीन लर्निंग इज अ टेक्नोलॉजी दैट कैन क्रिस्टलाइज, डिसेक्ट, गिव यू अ पॉइंट ऑफ व्यू। मेरे कहने का मतलब यह है कि गीता के सार को यदि नहीं मानेंगे, मोह में पड़ जाएंगे, एक दूसरे के हित को देखने लगेंगे, तो फिर हम भटक जाएंगे। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण ने कहा था, कर्म करो, कर्म करते रहो, फल आएगा, पर फल को दृष्टि में रखकर कर्म मत करो। जो ही आप फल को प्राप्त करने के लिए कर्म करोगे, यू विल बी डिविएटिंग फ्रॉम द पाथ ऑफ राइटियसनेस एंड दैट आई एम श्योर नहीं होना चाहिए। आपके यहां चर्चा ज्यादा गहराई की होगी, पर गीता एक अद्भुत ग्रंथ है, धार्मिक ग्रंथ है, दार्शनिक ग्रंथ है, नैतिक ग्रंथ है, जीवन दर्शन का ग्रंथ है, हर समस्या का हल देता है, अपने को अंदर से मजबूती देता है। इट इंस्टिल्स अस इन अस अ डीप सेंस ऑफ वर्क इज वर्शिप। वी मस्ट डू इट विथ सब्लिमिटी एंड स्पिरिचुअलिटी। वी मस्ट डू इट फॉर ऑल एंड नॉट फॉर अस ओनली। एंड दिस वॉज रिफ्लेक्टेड फ्रेंड्स
और मुझे देखकर यह बहुत अच्छा लगा क्योंकि मैं उस कार्यक्रम का हिस्सा रहा हूं। हमारा G20 साधारण G20 नहीं था। G20 का फुटफॉल वॉज देयर इन एवरी स्टेट, एवरी यूनियन टेरिटरी, 60 लोकेशंस इन भारत, 200 इंटरेक्शंस। और उसके अंदर क्या मैसेज गया, भारत के प्रधानमंत्री ने बहुत बड़ा कदम उठाया। वासुदेव कुटुंबकम को उन्होंने दुनिया के पटल पर रखा। उस प्रधानमंत्री ने रखा जिसने देश को योग दिवस दिया 21 जून को, हर साल मनाया जाता है। उस महान व्यक्तित्व ने जिसने अर्थव्यवस्था को बदलने के लिए यूनाइटेड नेशंस पर प्रभाव डाला, इंटरनेशनल मिलिटियर मोटे अनाज के बारे में, उन्होंने दुनिया को मैसेज दिया वासुदेव कुटुंबकम का। G20 की थीम थी वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर। और क्यों नहीं, मैं कुरुक्षेत्र में हूं, गीता का ज्ञान यहां से शुरू होता है। 130 करोड़ से ज्यादा की जनता कोविड के सामने परेशान थी, कोविड की चपेट में थी। उस समय भी भारत ने दुनिया के 100 देशों को मदद की। कुछ लोगों ने टिक्का टिप्पणी की, हमारी संस्कृति को समझते नहीं है वो, उनका हाजमा कुछ कमजोर है भारत के विकास को लेकर, भारत की संस्कृति को लेकर, भारत के उत्थान को लेकर, भारत के उत्कृष्ट अचीवमेंट्स को लेकर। उन लोगों के जब शासन अध्यक्ष मेरे से मिलते हैं, वो कहते हैं व्हाट इज इंपॉर्टेंट इज नॉट योर असिस्टेंस, व्हाट इज सिग्निफिकेंट इज दैट यू आर फेसिंग अ प्रॉब्लम एंड यू आर थिंकिंग अबाउट अस। ये वासुदेव कुटुंबकम का ही दायरा है कि भारत के प्रधानमंत्री ने G20 में अफ्रीकन यूनियन को एक सदस्य बनाया। गीता क्या कहती है, इंक्लूसिव रहिए, ब्रिंग अबाउट डेवलपमेंट ऑफ ऑल, और डेवलपमेंट दैट इज मल्टीफेसेटेड, और डेवलपमेंट जो आपकी प्रतिभा को पूरी तरह से निखारने में आपकी मदद करता है। ये करके दिखाया, अफ्रीकन यूनियन का जोड़ना छोटा कदम नहीं है, क्योंकि उससे पहले यूरोपियन यूनियन थी। यदि अगर आप इतिहास में देखेंगे, यूरोपियन यूनियन में वो सदस्य थे जिन्होंने कॉलोनाइज किया, हमको भी किया और देशों को भी किया, अफ्रीका के अनेक देश थे, उन सबको उनकी बराबरी पर लाकर बैठा दिया। भारत के प्रधानमंत्री की स्टेट्समैनशिप का बहुत बड़ा प्रमाण है। दुनिया में एक बहुत बड़ा देशों का समूह है जिसको कहते हैं ग्लोबल साउथ, पहले किसी ने नाम ही नहीं सुना था, एंड दे अकाउंट फॉर 2/3 ऑफ द GDP ऑफ द वर्ल्ड। भारत बिकेम देयर वॉइस, क्योंकि ये भी गीता का सार है। मेरा आपसे यही कहना है कि जब हमारे पास इतनी बड़ी पूंजी है, हमें उसका उपयोग करना चाहिए, अनुसरण करना चाहिए, प्रकाश लेना चाहिए उससे, क्योंकि गीता में जीवन के सभी पहलुओं पर प्रकाश डाला गया है जो बहुत स्पिरिचुअल है। यू विल फाइंड रिफ्लेक्शंस अबाउट आत्मा, परमात्मा, भक्ति, कर्म, जीवन, इन सब का है। यहां आकर मुझे एक बात और लगी है कि आज के दिन भारत की विकास यात्रा एक बहुत बड़ा महायज्ञ है। इस महायज्ञ को संपूर्ण करने के लिए हर भारतीय की आहुति की आवश्यकता है, कोई न कोई आहुति इसमें जरूर दे, और वो सक्षम है। आज के दिन हर भारतीय को एक संकल्प करना चाहिए, आई विल ऑलवेज कीप माई नेशन फर्स्ट,
जैसे गीता में कहा गया था, धर्म के पाथ से कभी नहीं विचलित होंगे। ये ऑप्शन नहीं है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट है। हमारे सिविलाइजेशन इथोस का निष्कर्ष है दैट वी विल ऑलवेज बिलीव इन आवर नेशन, वी विल बी प्राउड सिटीजन्स ऑफ दिस नेशन एंड वी विल टेक प्राइड इन आवर हिस्टोरिक अचीवमेंट्स। मैंने एक स्वयं देखा है 1989 का क्या हाल है, लोकसभा में था, 90 का क्या हाल है, मैं केंद्र में मंत्री था। सोने की चिड़िया कहलाने वाला देश अपने सोने को हवाई जहाज से स्विट्जरलैंड के दो बैंकों में गिरवी रखना पड़ा। हमारा फॉरेन एक्सचेंज 1 या 2 बिलियन के बीच में झूल रहा था। मैंने आज ही प्रातः खबर ली है कि पिछले 2-4-5 दिन में बढ़ोतरी $4 बिलियन की हुई है, हमारा रिजर्व 600 बिलियन से ज्यादा है। यह सब एक ही बात से है कि जो गत वर्षों से हमारी शासन व्यवस्था है उसको आप गीता गवर्नेंस कह सकते हो। पहले क्या होता था, वी यूज टू बी ऑन द बैक फुट, रूढ़िवादी कहते थे लोग कि आप क्या बात कर रहे हो, कोई ऐसा साइंटिफिक एकम्प्लिशमेंट आज तक नहीं हुआ है जिसका जिक्र किसी न किसी सेंस में आप हमारे सिविलाइजेशनल स्क्रिप्चर्स में, सिविलाइजेशनल वर्क्स में नहीं पाओगे। आज के दिन यदि अगर स्वास्थ्य की बात करें तो अथर्ववेद के बारे में कितना कुछ लिखा गया है, पर हम भटक गए थे। वी वर टोटली इन फेवर ऑफ वन टाइप ऑफ मेडिसिन। कितना सुखद लगा होगा आप सबको जब 2014 में आयुष मंत्रालय बना पहली बार, हमारे ज्ञान के भंडार का उपयोग हुआ, कोविड के अंदर लोगों ने भरपूर उपयोग किया। मेरा कहने का मतलब यह है हमें असमंजस की स्थिति में नहीं होना चाहिए, किसी भी परिस्थिति में ऐसा ही नहीं होना चाहिए। ये सुधांशु जी ने कहा हम मोस्ट पॉपुलस कंट्री इन द वर्ल्ड है, हम बहुत यंग भी हैं, पर एक बात से मैं असहमत हूं कि वी विल बी द रिचेस्ट, वी आर द रिचेस्ट। इस रिचेस्ट का आप अंदाजा लगाइए, दुनिया अचंभित है कि भारत में बहुत से लोग जो फॉर्मली एजुकेटेड नहीं है वो स्मार्टफोन का कितना उपयोग करते हैं। ग्राउंड रियलिटी है, बिजली पानी के बिल की लंबी लाइनें खत्म, रेलवे टिकट की खत्म, पासपोर्ट की बात आती है तो गांव में कोई ना कोई मदद कर देगा। और कितना फायदा है कि हमारे द्वारा डेवलप किया मैकेनिज्म यूपीआई, सिंगापुर और देश फॉलो कर रहे हैं। हमारे लोगों की प्रतिभा का अंदाजा लगाइए कि 60 के दशक में हमारा सैटेलाइट जब पहली बार लॉन्च हुआ वो किसी और की मशीन पर हुआ, आज हम सैटेलाइट लॉन्च करते हैं यूएसए के भी, यूके के भी, सिंगापुर के भी। ये हमारा अचीवमेंट है आज के दिन। आज के दिन हम दुनिया के अग्रणी देशों में हैं सोच में, पर थोड़ी सी स्थिति हमारी तब होती है जब मोर देखता है नाचता है तो प्रसन्नचित होता है, पर मोर के सामने तो पांव की तरफ देखता है तो उसको थोड़ी परेशानी होती है। हमारी भी दिक्कत है, हम में से कुछ सुजनित तरीके से या नासमझी की वजह से एंटी नेशनल नैरेटिव्स को फ्लोट करने में आनंद लेते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए, आप इसको कुंठित कीजिए। इट इज अ कोविड वायरस दैट हैज टू बी न्यूट्रलाइज्ड। गीता आपको क्या देती है, मैं एक
छोटी सी कहानी बताकर समाप्त करता हूं। एक बूढ़ी महिला थी, वो अंधी थी, बीमार थी, जवान बेटा था और जवान बेटा कमाई नहीं कर रहा था, जवान बेटे की शादी भी नहीं हो रही थी, वो संकटों से पूरी तरह घिरी हुई थी, ऐसा ही महसूस कर रही थी, डिस्पोंडेंसी के अंदर थी, रास्ता नहीं दिख रहा था, ऐसी हालात थी जो 10 साल पहले अपने देश की थी, निराशा में डूबे हुए थे, भ्रष्टाचार का बोलबाला था, पारदर्शिता दूर तक नहीं थी, पेट्रोल डीजल चलती थी, ऐसा ही वातावरण उस महिला के सामने था। भगवान प्रकट हुए और कहा कि एक वचन मांगो। क्या वो अपनी आंख मांगे, क्या वो अपना स्वास्थ्य मांगे, क्या वो बेटे की नौकरी मांगे, क्या वो बेटे की शादी मांगे? उस महिला के सामने गीता का ज्ञान आया और उसने कहा, सोने की थाली में पोते को हंसता खेलता दिखा दे। आज हमारे देश का यही हाल है। वी आर अ वर्ल्ड पावर, वी स्टैंड फॉर पीस, वी स्टैंड फॉर हार्मनी, वी स्टैंड फॉर ग्लोबल स्टेबिलिटी, वी वॉन्ट टू टेक अवर भारत इन 2047 एट पीक वेन वी हैव सेंटिनरी ऑफ सेलिब्रेशन। हमारा अमृत काल हर दृष्टि से, हर मापदंड पर हमारा गौरव काल है और हमें प्रसन्नचित होना चाहिए। माननीय मुख्यमंत्री जी, ये पहला आपका कार्यक्रम है जिसमें मुझसे कोई प्रश्न नहीं पूछा है, नहीं बातचीत में हिसार एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी गया तो मैं दंग रह गया। मेरी जाति के एक बुजुर्ग और उनकी धर्मपत्नी ने कहा, माने मोदी हूं मिला दे। मैंने कहा, मोदी जी से मिलकर क्या करोगे? बोला, पूछेंगे कि आपको ढूंढा कैसे उन्होंने। पर आज आप ऐसा नहीं कर रहे हैं। आज नहीं मिले। नमस्कार।